हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो वो हादिया ही है। क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाए। टाइम देख रहे हो तुम? एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, किधर रह गए थे? इजी, वैसे व्हाट्स अप विद यू वुमेन? शादी के बाद बिल्कुल ही बदल जाते हो। गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ शिकायतें करती थी, अब शादी हो गई है, बीवी बन गई हो, शिकायतें भी करती हो, नाराज भी होती हो, गुस्से भी होती हो। फैजान, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दें। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? सबको चीख चीख के बता दूं कि हमारा निकाह हो गया, ताकि बाबा मुझे निकाल ना घर से? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन फैजान, हमें इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। और हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो वो हादिया ही है। क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाए। What? हाँ, तो तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी हूँ तुमसे छुप छुप कर मिलती रहूंगी? लिसन टू मी फैजान, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, समझे तुम? वैसे भी तुम अपने बाबा की वजह से उसे डिवोर्स तो दे नहीं सकते, तो हमें ही कुछ प्लान करना पड़ेगा ना। What is wrong with you? क्या बोले जा रही हो? फैजान, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि हादिया had an affair in the past, something like that? बताया था तो? तुम फिकर मत करो, सारी प्लानिंग मुझ पर छोड़ दो। मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगी कि हादिया बदनाम हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। फिर तुम्हारे बाबा खुद ब खुद उसे घर से निकाल देंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आई थिंक रमशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या बोले जा रही हो? फैजान, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हादिया को रास्ते से हटाने का फिलहाल यही सलूशन नजर आ रहा है मुझे। I'm out of here. I think you've gone mad. फैजान, मेरी बात तो सुनो। फैजी, रुको। फैजी, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे, what's your problem?